और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक खास पिक्चर गैलरी में। यहाँ गीता प्रेस की ये पिक्चर गैलरी है। गीता प्रेस अब तक 73 करोड़ धार्मिक पुस्तकें छाप चुकी है और बदलते वक्त के साथ कदम ताल करते हुए गीता प्रेस ने सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों को आर्ट पेपर में और ज्यादा तस्वीरों के साथ छापने की पहल की है। रामचरितमानस से इसकी शुरुआत की गई और जल्द ही आर्ट पेपर पर सचित्र दुर्गा सप्तशती भी लोगों के सामने आने वाली है। ये वो जगह है जिसने आपके जहन में भगवान राम और कृष्ण के जीवन के हर पल को जीवंत किया है। धार्मिक किताबों के पन्नों पर तमाम हिंदू देवी देवताओं की शास्त्र सम्मत छवि सबसे पहले यहीं उकेरी गई। और अब पाठकों की मांग पर नई तकनीक के जरिए पुराने चित्रों में नए रंग भरकर धार्मिक ग्रंथों को और आकर्षक बनाने की पहल की जा रही है। अब इन नई आधुनिक ऑफसेट मशीन के जरिए रामचरितमानस को आर्ट पेपर पर छापा जा रहा है ताकि आज की युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रहे। रामचरितमानस की मांग ज्यादा होने लगी कि हमको रामचरितमानस एक ऐसा चाहिए जिसमें भगवान के लीला के चित्र बहुत सारे हों। तो लीला के चित्र अगर हमको देने हैं तो ये निश्चित रूप से हमको चित्र देने के लिए आर्ट पेपर चाहिए, आर्ट पेपर पर हमको छापना है। तो उसको आर्ट पेपर पर छापा गया, 300 से अधिक उसमें चित्र दिए गए और उसके जो दोहा चौपाई वगैरह के रंग हैं उसको अलग कर दिया गया ताकि लोग ये उसको आसानी से पढ़ सकें और उसका उच्चारण कर सकें। इसकी 3000 प्रतियां हम लोगों ने छापी थी। पहली प्रति इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया था, पहली प्रति इसकी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दी गई। युवा पीढ़ी के लिए ये बदलाव अहम है। आर्ट पेपर में किताबें छापकर भले ही गीता प्रेस ने नई टेक्नोलॉजी से नए जमाने के साथ चलने की पहल की हो, पर इसमें भी उन सभी परंपराओं का पालन किया जा रहा है जो गीता प्रेस की किताबों की विशेषता रही है। जैसे यहाँ अक्षर छपने के बाद उन पृष्ठों को उसके बाइंडिंग और बाजार पहुँचाने तक कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। गीता प्रेस अपने आप में आध्यात्मिकता की धरोहर है और संतों ने इसके लिए बड़ा तप किया है, हमारे संस्थापकों ने अपना जीवन लगाया है और पीढ़ियों ने अपना जीवन लगाया है। आज संस्था जिस रूप में लोगों के सामने है ये बहुत सारे लोगों की सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। इन खूबसूरत तस्वीरों को सही रंग और सटीक हाव-भाव के साथ छापने के लिए फिलहाल नई मशीनें काम कर रही हैं। लेकिन कभी इसी लीला चित्र मंदिर में इन तस्वीरों को गीता प्रेस के प्रमुख ट्रस्टी रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जगन्नाथ भगवान और बीके मित्रा जैसे गुणी और अनुभवी चित्रकारों से बनवाए थे। देवी देवताओं के जितने चित्र देखते हैं वो चित्र इसी चित्र लीला मंदिर से लिए गए हैं, पर ये चित्र सिर्फ गीता प्रेस की छापी हुई किताबों पर ही नहीं है, ये असंख्य जनमानस के मन मस्तिष्क पर भी है। अब गीता प्रेस ने नए जमाने के साथ कदम ताल करते हुए नई टेक्नोलॉजी के जरिए इन चित्रों को आर्ट पेपर पर छापने की पहल की है, जिससे युवा पीढ़ी इन पात्रों को ज्यादा आत्मीयता से देख और महसूस कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए गोरखपुर से शिल्पी सेन।